महानगर मुरादाबाद में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन आग की घटनाएं सामने न आ रही हों। महानगर के कटघर क्षेत्र में रामगंगा किनारे बने डियर पार्क में विगत 15 दिन में लगभग 3 बार आग लग चुकी है और वन विभाग के अधिकारी हैं कि इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। इन अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार के आग बुझाने की कोई भी तैयारी नहीं की गई। यही कारण है कि छोटी से छोटी चिंगारी डियर पार्क में आग का विकराल रूप धारण कर लेती है और हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। दोष दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अग्निशमन अधिकारियों को, जबकि वन विभाग का दायित्व बनता है कि वे डियर पार्क, जो कि काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां आग बुझाने के साधन हर वक्त उपलब्ध रहने चाहिए। 15 दिन के भीतर 3 बार आग लगने के बावजूद भी अभी तक वन विभाग प्रशासन नहीं चेता है। आज एक बार फिर डियर पार्क के जंगल में आग लग गई। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के आग बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। डियर पार्क में माली की नौकरी कर रहे व्यक्ति से जब बात की गई, तब उसका कहना था कि उन्होंने आधा घंटा पहले वन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया था, लेकिन अभी तक ना तो कोई वन विभाग का अधिकारी पहुंचा है, ना ही कोई अग्निशमन की आग बुझाने वाली गाड़ी। हम लगभग आधे घंटे से यूं ही सिर्फ बाल्टी में पानी भरकर आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इस तरह लगातार फैल रही आग को बुझाना हमारे लिए संभव नहीं है। इस बाबत जब डियर पार्क के मालिक से बात की गई, तब उन्होंने बताया, अच्छा तो इस बाल्टी से आप आग कितनी देर से आग बुझा रहे हैं? काफी समय हो गया, कम से कम ना हो गया मुझे 1 घंटा। 1 घंटे से इसी पानी के भर भर के ला रहे हो और आग बुझा रहे हो? मेरी वो भी ला रही है, मैं भी ला रही हूँ पानी भर भर के। तो कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे वन विभाग का? अबे भी बोल ले लो, वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं है यहाँ? अभी आएगा, मैंने तो फोन तो कर दिया था उनके पास। कितनी देर हो गई फोन करोगे? अबे जल्दी लिया। तो आधे घंटे से कोई नहीं आया है अभी तक? तो कोई नहीं आया। नहीं तो कोई आग बुझाने वाली कोई गाड़ी नहीं आई है? नहीं,